हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बजीज एंड फिंचेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजी ब्रीडिंग के बारे में कि बजी को आप आसानी से ब्रीड कैसे करें, कैसे मैंने ब्रीड किया बड़ी मेहनत के बाद। मतलब क्या बताओ, अभी मेरे को बताने वाला नहीं था तो एक मेहनत ही लग गई। तो ब्रीड करने में जैसा मैंने बोला, सबसे हार्ड है पेयरिंग का। अगर आपको पेयरिंग का नहीं पता है, मेरे चैनल पर वीडियो है पेयरिंग कैसे करनी है, वो जाके वीडियो देखो और फिर आप पेयरिंग ऐसे मास्टर बन जाएंगे। आप ऐसे करेंगे पेयरिंग, ऐसे टाइम ही नहीं लगेगा। मतलब आपको कुछ ऐसा, पहले ना मुझे डर लगता था कि ये ट्रिक काम करेगी कि नहीं, तो मैंने अभी तो बहुत सारे बर्जियों पर यही ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, आराम से वो लोग पेयरिंग कर देते। तो अभी आपकी पेयरिंग हो गई है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पेयरिंग के बाद आपको क्या करना है। पेयरिंग के बाद पहले तो आपका केस साइज़ बराबर होना चाहिए। अभी आप ये मत समझना कि पेयरिंग की है मतलब कि केस साइज़ बराबर है, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरा जो टेक्निक है उसमें ना, मेल को अकेले रखने के बाद मेल को अगर छोटे से छोटा पिंजरा देंगे ना तो भी वो पेयरिंग कर देता है। तो केस साइज़ बराबर रहना चाहिए जिसमें वो फ्लाई कर पा रहे होगे, जैसा मैंने बोला था अपने पंख को यूज़ कर पा रहे होगे, ऐसा आपको केस साइज़ लेना है। उसके बाद में ना नेस्ट बॉक्स आपको नहीं लगाना है। नेस्ट बॉक्स कब लगाना है, अभी आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको नेस्ट बॉक्स कब लगाना होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो आज मैं एकदम करेक्ट टाइम बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि नेस्ट बॉक्स लगाना है आपको। तो आपको ना उनको पहले अच्छे से खाना देना है, सब कैल्शियम मल्टीविटामिन के सोर्स पूरी करना है। अपना कटल फिश बोन उधर रहना चाहिए पिंजरे में, सॉफ्ट फूड दाने सब अच्छे से उनको दो। उसके बाद में ना जब फीमेल हीट पे आएगी, मतलब जब फीमेल का जो नोज़ है वो ब्राउन हो जाएगा, उसको हीट पे आना बोलते हैं। फीमेल का नोज़ जब ब्राउन हो गया या फिर हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मत कि पूरा डार्क ब्राउन हो गया, जब हल्का हल्का ब्राउन स्टार्ट हो रहा आपको दिख रहा है ब्राउन, तब आपको लगाना है नेस्ट बॉक्स। ठीक है, ज़रा ऊपर इसमें आपको ज़रा नेस्ट बॉक्स लगाना है। अच्छा नेस्ट बॉक्स लगाओ, नेस्ट बॉक्स या मटकी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नेस्ट बॉक्स ही मैं बोलूँगा। तो भी अगर आपके जो भी है आपको वो लगाना है, लगाने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है कि जा रहे कि नहीं देखने के लिए। अगर घुस गए तो फिर आप देखने के कि घुसे क्या कर रहे, तो वो लोग अपना अपना काम करेंगे घुसेंगे। इसके बाद आपको ना पेशेंस चाहिए, जैसे फिंच में प्राइवेसी चाहिए होता है, बर्जीज में पेशेंस चाहिए होता है। मतलब आपको इंतज़ार करना है, वो ब्रीड करेंगे कभी कभी एक महीना ले सकते हैं, दो महीने का नहीं किया ना तो समझना कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन 2 महीने तक आप वेट करो, इतना टाइम नहीं लगेगा, वो ब्रीड कर देगा अगर अच्छे से पेयरिंग हुई है। अब पेयरिंग हुई है ये कैसे मालूम पड़ेगा, वो चोच मिला रहे होगे, एक दूसरे को खाना खिला रहे होगे, स्क्रैच कर रहे होगे एक दूसरे को, तो मतलब वो पेयरिंग हो गई है। तो ऐसा आपको करना है, नेस्ट बॉक्स लगाना है, फिर वो अंदर जाएंगे और अच्छे से फिर अंडे भी दे देंगे आपके, जल्दी से जल्दी अंडे दे देंगे। बस आपको उनके डाइट का पूरा अच्छे से ध्यान रखना है, कैल्शियम की कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फीमेल को एग बाइंडिंग भी हो सकती है, बजीज में होता है ज़्यादा अगर, और फिर तो ज़रा बचना मुश्किल हो जाता है बजिस का। और पिंजरा का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए ताकि उनको चर्बी ना लगे, नहीं तो अंडे ही नहीं देगी। और मेल फीमेल सबसे मेन तो मेल फीमेल ही कन्फर्म होना चाहिए। कभी कभी मेल फीमेल अगर समझो आप किसको अगर फीमेल को भी अलग रखेंगे ना 1 महीने के लिए, तो उसके साथ अगर आपने फीमेल ही डाल दी तो भी वो उसके साथ ना ऐसा मतलब पेयरिंग जैसा, जैसे कि कोई पेयर ऐसा बिहेव करेंगे, इसलिए आप मेल फीमेल कन्फर्म करो। अगर आपको वो भी नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो डाल दी है मैंने, वो भी देखो, उसको भी लाइक करो और बस सब्सक्राइब करो चैनल। तो आज के लिए इतना ही, बजिस ब्रीडिंग का एक और पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट, वो भी आप देखना ताकि बजिस में कोई डाउट ना रह सके। विंचेस का भी आएगा, उसको भी देखना, उसमें कोई डाउट ना रह सके। तो आपने अगर एंड तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो, लाइक किए बिना जाना मत, और कमेंट भी करो आपको कोई डाउट है। और मैंने जैसे आपको बोलता ही रहता हूँ हमेशा की तरह कि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।